हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इनफाइनाइट सीरीज के अंदर रेबिज टेस्ट का प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो थ्योरम है, इफ़ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, ए एन इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इन टू में ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू एल। अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये सिस्टम क्या लेके आता है, इक्वल टू एल, तो इस एल के ऊपर क्या है कंडीशन है, देन सीरीज इज वन कन्वर्जेंट इफ एल ग्रेटर देन वन। एल ग्रेटर देन वन के लिए क्या है, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगी इफ एल लेस देन वन के लिए, राइट। तो देखो, तो सबसे हम केस वन लेते हैं भाई, क्या ले लिया एल ग्रेटर देन वन, ठीक है जी। तो देखो, एल ग्रेटर देन वन के लिए क्या करेंगे, चूज ए नंबर पी, ठीक है, सच दैट L ग्रेटर देन P ग्रेटर देन वन। ऐसा कर सकते हैं हम, क्यों? अभी L से जस्ट छोटा नंबर आप नहीं जानते, या वन से बड़ा जस्ट नंबर आप नहीं जानते, तो वन और L दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर आप ले सकते हो, ठीक है ना। ये तो एक लिया है मैंने P, ठीक है ना। अगर टू ग्रेटर देन वन है, या कितना भी बड़ा हो, चाहे 1.001 हो, तो इसके बीच में आप एक से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो 1.001 और ग्रेटर देन 1.001, ठीक है ना। ये बड़ा ही से और ग्रेटर देन, चाहे कितने भी नंबर ले लो, आपकी मर्जी है, चाहे देर आर इनफाइनेटली मैनी नंबर ले सकते हो आप एक से बड़े, एक जीरो और लगा दो तो एक से बड़ा नंबर हो जाएगा। देर आर इनफाइनेटली मैनी नंबर बिटवीन एल और वन, राइट। तो आप ऐसे नंबर ले सकते हो हमेशा, ओके, ठीक है जी। अब ले लेते हैं यहाँ से बी एन। बी एन क्या ले लिया हमने, 1/n की पावर है पी। ये आप जानते हो, अभी ये सीरीज इस टाइप की, ठीक है, बी एन ले लिया हमने अपने पास से, ओके। तो देर फोर क्या हो जाएगा, बी एन इजल टू समेशन बी एन एन इजल टू वन टू इन्फिनिटी 1/n की पावर पी इज कन्वर्जेंट फॉर कौन सा, p ग्रेटर देन वन है इसके अंदर, ठीक है ना, हमने ले ही रखा है ऐसा, ओके। अब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे, कौन से, अगर आपको याद हो, अगर bn कन्वर्जेंट है, bn अगर कन्वर्जेंट है तो क्या है an कन्वर्जेंट कैसे होगी। देखो अभी क्या लिखेंगे, समेशन an इज कन्वर्जेंट, क्या कंडीशन थी, कन्वर्जेंट इफ 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 बताओ ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन, ठीक है ना, ग्रेटर देन क्या आ जाए बी एन अपॉन में बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन। ये हमने कंडीशन निकाली थी, राइट। ये कंपैरिजन टेस्ट है, आपको याद हो तो आप पीछे के लेक्चर में जाके देख सकते हो या बुक में भी देख सकते हो। अगर बी एन कन्वर्जेंट है, अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट कब होगी, जब ए एन अपोन में ए एन प्लस वन ग्रेटर देन बी एन अपोन में बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन होगा। समझ में आई बात, ओके। यहाँ से देखो आप, तो ये देखो आप ए एन अपोन में ए एन प्लस वन ग्रेटर देन, ध्यान से देखा बी एन क्या है, बी एन है 1/n की पावर है पी अपोन में बी एन प्लस वन क्या है 1/n प्लस वन की पावर है पी। इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, पलट देते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आ गया n प्लस वन की पावर पी अपॉन में n की पावर पी। यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन निकलेगा n की पावर पी के साथ, राइट। तो 1 प्लस में 1/n की पावर पी अपॉन में n की पावर पी, ये कैंसिल हो गए यहाँ से। तो कुल मिला के हमारे पास जो बात आ गई बच्चों, ये आ गई हमारे पास दिस इम्प्लाइज, चलो यहीं से ही नीचे ही कर लेते हैं। तो ये आ गया जी ए एन अपोन में ए एन प्लस वन ग्रेटर देन क्या आ गया 1 प्लस में 1/n की पावर है पी फोर होल एन, ठीक है ना। ये इनक्वलिटी तब तक होल्ड करती रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, तो ये मतलब बी एन अगर सीरीज कन्वर्जेंट है पी ग्रेटर देन वन के लिए, तो ए एन कन्वर्जेंट हो, ये फोर होल एन के लिए होल्ड कर रही है, ठीक है ना, इसको देखना आप। तो यहाँ से अब इस एक्सपेंशन को हम खोल देते हैं, देखो कैसे ए एन अपोन में ए एन प्लस वन ग्रेटर देन वन प्लस में, ये आप जानते हो 1 प्लस x की पावर n 1 प्लस nx प्लस में n इंटू एन माइनस वन अपोन में 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर अप टू सोन इनफाइनाइट, राइट।
तो ये आ जाएगा पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा पी बाई एन, प्लस में क्या हो जाएगा बताओ, पी पावर है तो यहाँ आ जाएगा पी इंटू पी माइनस वन अपोन में कितना, हाँ जी 2 फैक्टोरियल और 1/n का एन स्केयर अप टू सोन, राइट, यहाँ से ले लिया हमने। ओके, इस वन को इधर ले आओ, तो ये आ गया हमारे पास ए एन अपोन में ए एन प्लस वन माइनस में वन ग्रेटर देन क्या आ गया पी बाई एन प्लस में पी इंटू पी माइनस वन अपोन में 2 फैक्टोरियल एन स्केयर अप टू सोन इनफाइनाइट, राइट। ओके, यहाँ से मैं थोड़ा इसको यहाँ से देखो, अब क्या आ गया हमारे पास बच्चों, ए एन अपोन में ए एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन, एन कॉमन ले लो जी, एन सब के नीचे है तो क्या क्या आ गया 1/n, और यहाँ से आ गया जी हमारे पास पी प्लस में पी इंटू पी माइनस वन अपोन में 2n अप टू सोन, राइट। एन को इधर ले आओ, एन ए एन अपोन में एन यहाँ टोटल मल्टीप्लाई में भाई इसके ध्यान रखना, ए एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन क्या आ गया पी प्लस में पी इंटू पी माइनस वन अपोन में 2n अप टू सोन इनफाइनाइट। अब क्या कर देते हैं हमें, तो ये चाहिए तो ये लगा देते हैं हम, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन ए एन अपोन में ए एन प्लस वन माइनस में वन ग्रेटर देन पी, ठीक है ना, नहीं यहाँ भी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी इंटू में पी प्लस में पी इंटू पी माइनस वन अपोन में टू एन अप टू सोन। अब देखो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये p इंटू पी माइनस वन अपोन में टू एन, इससे आगे जितनी भी टर्म है ना सब के अंदर n है, क्योंकि n क्यूब आएगा, n की पावर 4 आएगा अप टू सोन इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है? ये जिन जिन के नीचे जिनका डिनोमिनेटर n है वो तो सब क्या हो जाएंगे जीरो, तो खाली क्या बचेगा यहाँ से p, तो यहाँ से आ गया जी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ए एन अपोन में ए एन प्लस वन माइनस में वन ग्रेटर देन क्या आ गया यहाँ से पी, और पी क्या दे रखे हैं यहाँ पर ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसका नाम क्या है एल, तो ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड होगी, इफ एल ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन वन, इसका नाम क्या है एल, तो एल क्या आ गया एल ग्रेटर देन वन के लिए ये सीरीज क्या आ गई कन्वर्जेंट, क्योंकि क्योंकि ये चीज़ हम लेके चले हुए हैं, अगर बी एन अगर कन्वर्जेंट है, और बी एन कन्वर्जेंट कब है जब एल ग्रेटर देन वन है, तो आपने ऐसा एक नंबर चूज किया एल ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन वन के लिए, अगर ये बी एन सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है, और बी एन सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट कब होगी जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, इसी कंडीशन को मैं यहाँ से लेके चला, ठीक है ना, ए यहाँ से, ठीक है ना, तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है किसके लिए ए एन ए सीरीज के लिए, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है फॉर ऑल एन के लिए कर रही है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सब एन के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी, और ये कंडीशन होल्ड कब कर रही है जब ये कंडीशन एल ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन वन होल्ड कर रही है, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से समेशन ए एन यानी कि वो, ठीक है ना, समेशन ए एन क्या कर गया यहाँ से इज कन्वर्जेंट फॉर एल ग्रेटर देन वन के लिए, राइट। आई होप आपको ये रिजल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, अब की बार उल्टा लगेगा, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जरा सा आपको कंसेप्ट क्लियर है तो प्रूफ याद करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं भाई, देखो ध्यान से, अब की बार क्या ले लेते हैं केस टू, केस टू लिया आपने तो L लेंगे लेस देन वन, चूज ए नंबर P सच दैट L लेस देन P लेस देन वन। देखो फिर वही बात बता रहा हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर भाई यहाँ पे देखो 0.9 मान ले 0.0009 है, तो इस ये क्या है लेस देन वन है, क्लियर दिखाई दे रहा है, इससे देखो आप इस ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकते हो P, जैसे आपने लिया 0.00004 0 एक 0 और लगा दो, ठीक है ना, और ये क्या आ गया 0.00009 लेस देन, ठीक है ना, ये आ गया, देखो ये लेस देन वन है। देर आर इनफाइनेटली मैनी नंबर बिटवीन L एंड वन जो एक से छोटे हैं, समझ में आई बात, ओके। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, तो यहाँ L लेस देन P लेस देन वन है, तो अब क्या करेंगे, देखो लेस देन P के लिए क्या कर जाएगी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, P लेस देन वन के लिए क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट, राइट।
ओके, यहाँ उल्टा हो जाएगा। अभी समेशन ए एन इज ए डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट इफ, ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ऐसे उल्टा हो जाएगा फॉर ऑल एन। समझ में आई बात है? ओके ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से फिर वही काम करते हैं। अभी ए एन अपोन में ए एन प्लस वन लेस देन, फिर वही चीज बी एन लेंगे, बी एन वही काम बिल्कुल, क्या वन बाई एन की पावर पी और वन बाई एन प्लस वन की पावर ए पी फॉर ऑल एन, राइट। दिस इम्प्लाइज ए एन अपोन में ए एन प्लस वन क्या आएगा, लेस देन, इसको पलट देते हैं, एन प्लस वन की पावर पी अपोन में एन की पावर पी फॉर ऑल एन। यहाँ से देखो थोड़ा है और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर नहीं जाते, नीचे ही आ जाते हैं, तो यह क्या आ जाएगा, ए एन अपोन में ए एन प्लस वन की पावर है, यहाँ से एन को एन की पावर पी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एन बाहर निकलेगा तो पी की पावर के साथ कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से आ गया जी वन प्लस में वन बाई एन की पावर है पी और एन की पावर पी है ही, यहाँ से आ गया फॉर ऑल एन। तो ए एन अपोन में ए एन प्लस वन लेस देन क्या आ गया, वन प्लस वन बाई एन की पावर पी फॉर ऑल एन। इसको थोड़ा खोल लेते हैं, किससे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जैसे अभी खोला था, तो ए एन अपोन में ए एन प्लस वन लेस देन क्या आ गया, वन प्लस में पी बाई एन, बार बार नहीं खोल के दिखाऊंगा, पिछली बार दिखा दिया मैंने, पी इंटू पी माइनस वन अपोन में टू फैक्टोरियल वन बाई एन स्केयर अप टू सोन इनफाइनाइट। इस वन को इधर ले आते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो एक टर्म और नीचे आ सकती है शायद, तो यहाँ से आया जी हमारे पास, चलो छोड़ो बोर्ड का पता नहीं है कहाँ पे है, तो यहाँ से आया जी ए एन अपोन में ए एन प्लस वन, इस वन को इधर ले जाते हैं, इस वन को इधर ले जाते हैं, तो माइनस वन क्या आ गया यहाँ से, लेस देन आ गया पी बाई एन, बिल्कुल सेम टू सेम प्रूफ है, पी इंटू पी माइनस वन अपोन में टू फैक्टोरियल और एन स्केयर प्लस में अप टू सोन इनफाइनाइट। यहाँ से क्या करते हैं, एन कॉमन ले लेते हैं, ए एन अपोन में ए एन प्लस वन माइनस में वन लेस देन क्या आ गया, वन बाई एन कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, पी प्लस में पी इंटू में पी माइनस वन अपोन में टू फैक्टोरियल एन स्केयर प्लस में अप टू सोन इनफाइनाइट। एन को इधर ले आओ, तो ये आ गया जी हमारे पास एन ए एन अपोन में ए एन प्लस वन माइनस में वन लेस देन आ गया जी ये पी प्लस में पी इंटू में पी माइनस वन अपोन में टू फैक्टोरियल एन, टू फैक्टोरियल का मतलब टू ही होता है, तो टू एन स्केयर और अप टू सोन अप इनफाइनाइट। अब लगा देते हैं लिमिट जी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू में ए एन अपोन में ए एन प्लस वन माइनस में वन लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी प्लस में पी इंटू पी माइनस वन अपोन में टू एन, एन स्केयर नहीं है, एन आएगा क्योंकि एन कॉमन ले लिया हमने, ठीक है ना, ओके, तो यहाँ से एन आएगा भाई, सॉरी, ठीक है, अप टू सोन इनफाइनाइट। यहाँ से क्या आ गया, देखो ये इस, देखो इस पी को छोड़ के बाकी जितने भी आगे टर्म्स हैं उन सब के अंदर क्या है, एन है, यहाँ एन स्केयर था, आगे एन क्यूब होगा, एन फोर होगा, ठीक है ना, तो ये डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएंगे, एन टेंडिंग इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन ए एन अपोन में ए एन प्लस वन माइनस वन लेस देन क्या आ गया यहाँ से, ये तो जीरो हो गया, तो क्या आ गया पी, और पी क्या है, लेस देन वन, और इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन कब होल्ड करेगी, जब एल लेस देन पी लेस देन वन होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम क्या है एल, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेके कहाँ से चले थे, देखो ये कंडीशन लेके चले थे, ए एन अपोन में ए एन प्लस वन लेस देन बी एन अपोन में बी एन प्लस वन फोर ऑल एन, तो ये सीरीज अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो समेशन ए एन क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। मैंने इसको यहाँ पर एल लेस देन वन के लिए प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है ना, तो ये कंडीशन कब होल्ड करेगी, इसका मतलब क्या, ये एल है, एल लेस देन पी और लेस देन वन, क्योंकि ये एल आ गया, ये लेस देन, ये क्या है पी है, और पी किसे छोटा है, हमने ले रखा एक के लिए, तो ये कंडीशन कब होल्ड हुई, जब एल की वैल्यू एक से छोटी थी, ठीक है ना, एल की वैल्यू एक के लिए क्या कर गई, ये कंडीशन होल्ड कर गई, तो ये कब होल्ड करेगी, जब समेशन ए एन डाइवर्जेंट होगी, सॉरी डाइवर्जेंट, तो एल लेस देन वन के लिए क्या आ गई, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है ना, प्रूफ वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये कौन सा टेस्ट था, रेबीज टेस्ट, पेपर में आता रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लॉगरिथमिक टेस्ट, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ओके। इसके बाद कौन सा करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना,
शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।